गुड इवनिंग बच्चों. In today's video, we will try to find out SI units of different physical quantities by using basic units. जो हमने basic SI units पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, उसी बेसिक यूनिट्स का यूज करके दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के SI यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे. So first of all, let us find out the SI units of speed and velocity. So जैसा हमें पता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड. चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का यूनिट. सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ. अब हमें पता है लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है? डिस्टेंस. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. दोनों ही डिस्टेंस है, ये यू कैन से लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. ब्रेथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर. दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों का यूनिट मीटर. तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर का ऐसा यूनिट क्या बन गया? मीटर स्क्वायर. आपको पता है ना, एरिया ये जो स्क्वायर है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 4 साइड्स क्या हैं? इक्वल है. और ये 2D स्ट्रक्चर है. 2D स्ट्रक्चर मीन्स इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? 2D स्ट्रक्चर. ओके, मूव टू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है हमारा, हम पता करेंगे एसआई यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. अब आपको पता है कि जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो ये 3D स्ट्रक्चर है जहाँ लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट. जैसे हम क्यूब की बात करें तो ये क्यूब है हमारा, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. अब ये 3D स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि इसके पास तीनों चीज़ें हैं. तो ये तीनों ही क्या है? डिस्टेंस है. और डिस्टेंस का यूनिट क्या? अगेन मीटर. तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन गया? मीटर क्यूब. सो आप देख रहे हो ना बच्चे, बेसिक यूनिट का यूज करके हम डिफरेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं. मूव टू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इसको हम ए से शो करते हैं, स्मॉल ए. सो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो गया? क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. और अभी हमने वेलोसिटी का यूनिट फाइंड आउट किया था. क्या था वेलोसिटी का यूनिट? मीटर पर सेकेंड, है ना. तो हम वेलोसिटी की जगह क्या पुट करते हैं? तो इस वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट करेंगे? मीटर पर सेकेंड. और टाइम का यूनिट क्या बन गया? सेकेंड, है ना. अब देखिए, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं. पर सेकेंड का मतलब, ये जब पर लिखते हैं इट मीन्स ये अपॉन में है, तो इस सेकेंड को मैं अपॉन में लिखती हूँ, है ना. तो अब क्या बन गया? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. अब सिमेट्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड स्क्वायर को मीटर के साथ ले जाएंगे. तो अब क्या बन गया? ये यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था, और पॉजिटिव वैल्यू को जब भी हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, साइन विल बी चेंज. सो ये जो पॉजिटिव वैल्यू था यही ऊपर जाके क्या बन गया? नेगेटिव वैल्यू. सो नाउ इट इज रीड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इट कैन बी रिटर्न इन अनदर फॉर्म. इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर, ये दिस इज द साइन ऑफ पर और ये स्क्वेयर. तो दो तरीके से लिख सकते हैं, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. अब चूंकि इसमें हमने पर का साइन लगाया है तो ये नेगेटिव साइन नहीं लगाया. अब यहाँ हमने पर का साइन नहीं लगाया है तो हमने यहाँ क्या लगाया, नेगेटिव. रीड सेम, दोनों को हम एक ही तरह से पढ़ेंगे. इट इज़ ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमने चार यूनिट्स पढ़ लिया. अभी हमने पढ़ा स्पीड. स्पीड का यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकेंड. एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या निकला, मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या यूनिट निकाला हमने, मीटर क्यूब. और एक्सेलरेशन का जो हमारे पास यूनिट आया दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मूव टू नेक्स्ट. अभी हम पढ़ेंगे फोर्स का यूनिट. सो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, m मल्टीप्लाई a, जहाँ m क्या है आपका मास और a क्या है एक्सीलरेशन. ठीक है. सो मास का यूनिट kg और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी हमने पढ़ा था, देखिए एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया था, क्या था ना, अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं. सो मास का यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम. और इस एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो फोर्स का यूनिट है दैट इज न्यूटन. अब हम फोर्स की यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूटन. बट दिस न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, देन यू विल से इट इज न्यूटन. फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, बट ये किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. जब आप बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. ओके. सो अगेन वंस, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है. और जो न्यूटन है वो इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट के. अब वेट क्या होता है बच्चों, तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वेट का जो यूनिट है और जो फोर्स का यूनिट है दोनों ही क्या है, न्यूटन है. वेट और फोर्स दोनों का यूनिट क्या है, न्यूटन है. ऐसा क्यों है, क्योंकि वेट भी एक तरह का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, मूव टू नेक्स्ट. सो हम आज फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वर्क और एनर्जी का यूनिट. वर्क एंड एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, जूल. अब हम जरा पता करते हैं कि जूल किसके बराबर है, जूल तो है ना. तो देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. वर्क के लिए हम क्या सिंबल लिखेंगे, W. फोर्स के लिए क्या सिंबल लिखेंगे, F. और डिस्टेंस के लिए हम क्या सिंबल लिखेंगे, S. S फॉर डिस्टेंस. फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा न्यूटन, और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट अभी क्या था, डिस्टेंस क्या है, लेंथ. लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर. सो वर्क का यूनिट क्या बन गया, देखिए न्यूटन मीटर. चलिए न्यूटन की वैल्यू पुट करते हैं. अभी हमने पढ़ा था न्यूटन, न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. सो न्यूटन की जगह हम ये वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमने पुट कर दिया न्यूटन की जगह क्या पुट कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एम यहाँ हमने मल्टीप्लाई में लिखा। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। किलोग्राम इज किलोग्राम, दिस मीटर एंड दिस मीटर, एम मल्टीप्लाई एम हो गया 2 टाइम्स, सो एम की पावर क्या हो गई 2। और ये सेकेंड पर स्क्वायर था, वो तो एज इट इज ही है। तो क्या बन गया वर्क का, अगर हम यूनिट निकालें तो क्या बनेगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू जूल, किसके इक्वल है, जूल के। सो अगर आपको ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी पूछा जाए देन यू विल से इट इज जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का ही ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। बट जूल किसके इक्वल है, तो जूल इज अगेन इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम क्यों है, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी आपके काम करने की एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क बोथ आर सेम, दैट इज जूल। एंड फर्दर जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव टू नेक्स्ट। हम पता करते हैं पावर का यूनिट। सो पावर पी, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, W फॉर वर्क एंड T अपॉन टाइम। अब वर्क का यूनिट अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, न्यूटन मीटर, और टाइम का क्या है सेकेंड। सो यूनिट क्या बन गया, पावर इक्वल टू क्या हो गया पावर इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पावर किसके इक्वल हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड के। अगर हम क्या करें इस फॉर्मूला में, अगेन न्यूटन की वैल्यू पुट कर दे। हमें पता है कि न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो ये जो n है, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पुट कर दिया मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर की जगह मीटर और पर सेकेंड की जगह पर सेकेंड, एज इट इज कॉपी किया हमने। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, किलोग्राम इज किलोग्राम, ये वाला मीटर और ये मीटर दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, मीटर स्क्वायर। यहाँ एस की पावर क्या थी -2 और यहाँ एस की पावर क्या थी -1, तो -2 और -1 क्या बन गया -3, है ना। तो हाउ इट विल रीड, कैसे पढ़ोगे आप, तो इट इज रीड एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। पर क्यों पर है, नेगेटिव साइन होगा तो हम पर पढ़ेंगे क्योंकि अपॉन में है ना। सो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्यूब फॉर 3, 2 फॉर स्क्वायर, 2 के लिए स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 के लिए क्यूब पढ़ते हैं। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू वाट, किसके इक्वल है, वाट। वाट लगा देते हो ना, वही वाट। तो पावर का ऐसा यूनिट पूछा जाए क्या लिखेंगे आप, पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट। बट दिस इज इक्वल टू, जो वाट है वो किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर पी P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P निकालने का फॉर्मूला है, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अगेन फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये सब हम पीछे हमने फाइंड आउट किया है। सो आप एक एक करके रिवाइज करें, नोटबुक में से कॉपी करें। दीज आर वेरी यूजफुल व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। चाहे आप 9th के विद्यार्थी हैं, चाहे आप 10th या +1 या +2, दीज ऑल आर यूजफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो देखिए अगेन, तो प्रेशर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, ये मीटर स्क्वायर को फिर हम ऊपर ले गए तो -2, नीचे +2 था तो ऊपर जाके क्या बन गया, -2। और -2 जहाँ भी लगा तो पर पढ़ेंगे, 2 के लिए स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन न्यूटन की वैल्यू पुट करते हैं। न्यूटन हमारा अगेन इक्वल था किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। लिख दिया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज फॉलो किया। अब जरा ध्यान से देखिए आप, किलोग्राम एज इट इज फॉलो हो गया। अब ये मीटर पॉजिटिव वैल्यू है और ये मीटर -2 इसकी वैल्यू है ना, तो ये -2 और ये मीटर +1, तो +1 एंड -2 क्या बचेगा, -1। ये मीटर +1 और ये मीटर -2। सॉल्व करिए, क्या बचेगा, -1। सो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है सेकेंड स्क्वायर था, एज इट इज कॉपी हो गया। सो क्या बन गया, ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगेन दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू पास्कल। ये पूरा जो वैल्यू आपने है ये सारा, ये किसके इक्वल है, पास्कल के। सो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बन गया, पास्कल। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, PA, P कैपिटल A स्मॉल। पास्कल से हम शो करते हैं, बट ये किसके इक्वल है, दिस इज अगेन इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर। अच्छा आपको पता होगा बच्चों कि प्रेशर के दो अलग से और भी यूनिट्स हैं, वन इज बार एंड अनदर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के 3 यूनिट्स हैं, पास्कल, पास्कल लेकिन याद रखना है हमें एसआई यूनिट्स है, और ये जो बार है एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम पास्कल को बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। अगेन जब आप +2 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सोल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सारे फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें यूज होंगी, यूनिट कन्वर्जन्स यूज होंगे। सो इसे नोट डाउन करें अपने पास, सारे कन्वर्जेंस, सारे वैल्यूज। सो अगेन देखिए डेंसिटी, डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, kg, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अभी हमने कौन कौन से यूनिट डिराइव किए, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। गो फॉर द रिवीजन, रिवीजन टाइम। सो स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स की यूनिट का बात करें, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। वेट का यूनिट की बात करें तो वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। वर्क और एनर्जी, इन दोनों का एसआई यूनिट क्या है, जूल। पावर का यूनिट वाट, पावर का यूनिट क्या है, वाट। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। और डेंसिटी के यूनिट की बात करें देन इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आप सभी को यूनिट्स डिराइव करना आ गया होगा और आपने ये सारे टॉपिक्स, ये सारे यूनिट्स अपने नोटबुक पे कॉपी कर लिए होंगे। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।